हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हो पहाड़ी के ब्लॉग। उत्तराखंड के पौड़ी जिले से और मेरे गांव का नाम है मोंदाड़ी। ये है हमारी मम्मी जी। आज से पहले मैंने आपको कभी ऐसा बोला नहीं कि ब्लॉग को पूरा देखना। आज मैं बोलता हूँ कि ये वाला ब्लॉग आप पूरा देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने जो अभी तक मैंने भी काम किया है यूट्यूब पे, उसके बारे में सब कुछ है यहाँ। अपने लो टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि हमारे YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम मम्मी को बोलना चाहते हैं कि मम्मी, हमारी पहली पेमेंट आ चुकी है। ये हमारी मम्मी जी का प्यार था। मैं जा रहा हूँ मार्केट और वहां से मैं हम पेमेंट उठाएंगे, अपने यूट्यूब की पहली पेमेंट। उस पेमेंट से मैं क्या क्या करूंगा वो चीज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कि मैंने एक दो जगह और भी जाना है, मैंने उस पेमेंट के लिए कुछ सोच रखा है। और अभी मम्मी जा रही है गांव में, ऊपर हमारे कोई रिश्तेदार है उनके घर पे जा रही है मम्मी पापा। तो फिर मैं जब आऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि यूट्यूब से पेमेंट कैसे आता है और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, फाइनली मैं सतपुली से आ गया हूँ। अभी मैं अपने घर पे हूँ। मैंने मम्मी को कॉल किया था तो मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर बाद हम भी आने वाले हैं। तो जैसे ही मम्मी आती है, मम्मी का रिएक्शन मैं बताऊंगा। लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक ड्रीम था यूट्यूब में थोड़ा बहुत कुछ करने का, ये सपना आप लोगों ने मेरा पूरा किया है। उसके लिए मैं आपसे तह दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लोगों का, कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। जीरो से लेके मैं यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए आपका तह दिल से शुक्रिया यार। आज बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना खुश हूँ। एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा होता है कि उसकी फर्स्ट पेमेंट, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। यूट्यूब पे जल्दी से वॉच टाइम पूरा नहीं होता, सब्सक्राइबर कोई करता नहीं है, तो उसकी वजह से यूट्यूब पे बहुत टाइम लग जाता है फर्स्ट पेमेंट आने के लिए। आपको बताता हूँ कि यूट्यूब में फर्स्ट पेमेंट कैसे आती है। तो सबसे पहले यूट्यूब वालों की कुछ शर्तें होती है। सबसे पहले उनका होता है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और उसके बाद 4000 वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। उसके बाद ये सब पूरा होने के बाद आपका चैनल चला जाता है मोनेटाइज होने के लिए। उसके बाद 24 घंटे बाद वो आपको मेल करते हैं। यदि आपके चैनल पे किसी का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट क्लेम नहीं है, तो वो चीज क्लियर करके उसके बाद आपको एक मेल दिया जाता है कि आपका चैनल अब यूट्यूब प्रोग्राम में शामिल किया गया है। उसके बाद आपके चैनल पे एड लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके बाद आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, और जैसे आपके एडसेंस अकाउंट में $10 पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास यूट्यूब की तरफ से आपके एड्रेस पे एक पिन आता है जो 6 डिजिट का रहता है, उसको आपको एडसेंस में भरना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ता है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक अकाउंट नंबर की, एक IFSC कोड की और एक स्विप कोड होता है जो कि आपको अपने बैंक से मिल जाएगा, या आप इंटरनेट से भी कई ऐसी वेबसाइट है जहां से आपका स्विप कोड मिलता है। मैंने अपने बैंक का स्विप कोड गूगल से ही निकाला था। उसके बाद जैसे ही आपके चैनल पे $100 पूरे हो जाते हैं, तो वो 21 तारीख की रात को आपको मेल कर देते हैं, और मेल करने के बाद आपके 6 या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। इस बीच यदि आपकी पेमेंट रुक जाए तो आप बैंक में पता कर सकते हो, पर मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। मेरा पेमेंट एक दिन बाद ही आ गया था। कई कई केस में ऐसा होता है कि आपको बैंक में जाना पड़ता है। बैंक में जाने के बाद आपको वहां पे एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरने के बाद आपको वो फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे करके यूट्यूब से पैसा आता है। यदि आपके चैनल पे व्यूज ज्यादा आते हैं तो आपका $100 जल्दी पूरा हो जाता है। मेरा बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैंने बीच में कई बार यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया था अपने पर्सनल काम की वजह से। तो मेरे करीबन 3 या 4 महीने लग गए थे मेरे पेमेंट आने के लिए, और फाइनली पेमेंट आ गई है। तो चलिए फिर पहले मम्मी का वेट करते हैं, फिर का रिएक्शन देखेंगे मम्मी को कितनी खुशी होती है। तो चलिए फिर अभी पहले मम्मी का वेट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। माँ, पहले तो आपसे पता चल मेरा पेमेंट आ गया है, और यह मेरी पहली पेमेंट आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो। देखना की भगवान माता रानी देखना हमेशा यानी अग्नि बड़े बहुत तरह की केयर तू माता रानी की तरफ से। धन्यवाद माता रानी तेर बहुत तरह की कर। धन्यवाद मु लुखने दी दो जो लुखुल म्यारे लड़का ते सपोर्ट करा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम और अग्नि भी सपोर्ट करना रहा। ये बहुत मेहनत करी चाह, एक मेहनत आज रंग लाया है, और बहुत मेहनत करी चे की 3-3, 4-4 बजे, 5-5 बजे बिजी रहन चाहे। राजा उठले खाना खा ले, ये खाना खाई वीडियो इन पागल बनी रहो कि चलो पर आप लुख लिए की मेहनत पर रंग लयो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लुख। बहुत बहुत माता रानी तुम जग हुएला, तुम जग जग हुएला माता रानी, तुम्हार सब मनोकामना पूर्ण करा माता रानी। बहुत बहुत मैं माता रानी भक्त छो, और माता रानी में दिल से बोलू कि तुम लुख बहुत बहुत उन्नति करा माता रानी।
तो दोस्तों जिस चीज के लिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। कई यूट्यूबर बोलते हैं कि आपको अपनी पेमेंट शेयर नहीं करनी चाहिए, और जितने भी बड़े यूट्यूबर है तो वो बोलते हैं कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी यूट्यूब पेमेंट नहीं बता सकते। तो आप मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरी एक फैमिली हो, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मेरी जो पहली यूट्यूब की पेमेंट आई है, जैसे आपके $100 हो जाते हैं वैसे ही आपकी पेमेंट को रिलीज किया जाता है। जो मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया है वो फरवरी का आया है। यूट्यूब में क्या होता है कि आप एक महीना काम आगे करते हो और एक महीने पीछे के आपका जो पेमेंट है वो आता है। मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई थी ₹7,525। मेरे जो $100 पूरे हुए थे इसी महीने के 15 तारीख को पूरे हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मेरा 21 तारीख को मेरा पेमेंट रिलीज कर दिया था।